तो सर बेटे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने निफ्टी में काम किया हुआ है, ठीक है। निफ्टी में मैंने कॉल में काम किया हुआ है, क्या देख करके मैंने एंट्री बनाया है, कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था, ये हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आप देखिए पूरा वीडियो ध्यान से देखो, मैं चीज़ बोलता हूँ ना, ऑप्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है और फ्यूचर का सिस्टम पूरा अलग है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में काम करके दिखाता हूँ, तो ऑप्शन का सिस्टम थोड़ा बहुत अलग, क्योंकि वहाँ पे टाइम डीके वगैरह लगता है। ये सारा पॉइंट आपको समझना पड़ता है कि हम मार्केट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड में क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ऑप्शन देखो हर समय ऑप्शन नहीं करना होता है। कभी कभी देखो ऑप्शन सेलर का टाइम चलता है, कभी कभी ऑप्शन बायर का टाइम चलता है। लेकिन इस समय देखो अगर अगर नियम से आप लोग पूछोगे तो इस टाइम पे सिर्फ ऑप्शन सेलर का टाइम चल रहा है, तब पर भी हम बाई करके कुछ वहां पे पैसा जनरेट कर रहे हैं और कुछ कभी लॉस कर रहे हैं। सारा पॉइंट मैं आपको समझाने का सिखाने का अपने वीडियोज में प्रयास करता हूँ। दोस्तों हमको नहीं मेरा नाम महेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेली एक्सप्लेन। चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं, ध्यान से रखना पूरा वीडियो, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों मार्केट हो गया स्टार्ट, यहाँ पे लग रहा है रिजेक्शन नीचे से निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट हम एंट्री बनाएंगे कॉल में, निफ्टी में कुछ सोचना नहीं है, सुबह सुबह टाइम ऐसे होता है, ठीक है। फटाफट क्या करते हैं, पहले निफ्टी में एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेकर तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो 200 क्वांटिटी यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि 27,000 यहाँ पे लग रहा है। फटाफट कर लेते हैं एंट्री, भाई एंटर हो चुके हैं, कैंडल देखो ऊपर खींच रहा है, थोड़ा सा एंट्री लेट बना है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर अब क्या हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्या इंडिया भी एकदम घटिया जगह पे है। इंडिया भी अगर 11 के नीचे रहता है, ऑप्शन करना ही नहीं है, फिर भी मैं ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ। जो भी प्रॉफिट मिलेगा लॉस मिलेगा आपके सामने मैं बुक करने का यहाँ पे प्रयास करूँगा, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। लेकिन समझना है कि आपको ऑप्शन कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, मैं सारा चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, लाइव में आकर के बताता हूँ, बार बार चिल्लाता हूँ भैया। देखो ऑप्शन करने का टाइम होता है, ऑप्शन करने का जगह होता है। इस समय अगर नियम से आप पूछेंगे मुझसे तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हैमर भी लग चुका है, करीब करीब हैमर नहीं है, ये कैंडल हम देखेंगे तो थोड़ा मतलब लॉन्ग लेग डोजी की तरफ से 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब कैंडल में इतना बड़ा रिजेक्शन नीचे से लगना, अब तो देखो जो हमारा एंट्री बना यहाँ पर ना, कम से कम अगर इंडिया कुछ यही कम से कम 12 बजे के पास होता तो यहाँ पर भाई कम से कम अब तक तो जो प्रॉफिट मिलता ना, कम से कम 1500-1600 ऐसे प्रॉफिट दिखता। लेकिन थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे पूरा प्रॉफिट खत्म, यहाँ पे हो रहा है टाइम डिके हो रहा है। इस टाइम आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम डिके लग रहा है। अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो वहाँ पे सिर्फ क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब मार्केट हमारे फेवर में ऊपर जा रहा, तब पर भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा, क्यों? इसके पीछे का रीज़न बस वही है कि क्या लग रहा है, टाइम डिके। देखो कैंडल पूरा खिंचती चली आ रही है, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल, तो क्या इसके पीछे का रीज़न है? इंडिया विक्स। तो कोई नहीं, प्रॉपर देखते हैं जितना प्रॉफिट मिलेगा हम बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, रेजिस्टेंस ये पॉइंट है यहाँ पर निफ्टी में, तो मैंने बोला 19,730 का जो पॉइंट है ना, वो बहुत बड़ा समय रिजेक्शन पॉइंट है। लाइव में मैं यही एक्सप्लेन किया हूँ लेवल। तो यहाँ पर भी मार्केट में एक मोमेंटम अपसाइड में अचानक में आया, नीचे से कैंडल ऊपर रिजेक्शन लगा। लेकिन अगर पहले थोड़ा एंट्री बना होता ना और पहले फास्ट में, तो समझिए थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर और दिखता। लेकिन यहाँ पर मैं ऑप्शन का चार्ट भी देखता हूँ, तो ऑप्शन का चार्ट बताता कि यार मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल एक चीज़ बस ये समझना है कि मोमेंटम कुछ खास नहीं कर रहा है ऑप्शन यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बस प्रॉपर एसएल के साथ में यहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, वही 500-700 मतलब दिखेगा लॉस तो वगैरह निकल जाएंगे, यहाँ पे वेट नहीं करने वाले। क्योंकि ना दिक्कत यहाँ पे यह है कि इंडिया भी सही जगह पे है नहीं, और आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि मोमेंट नहीं करेगा तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। सारा गेम देखिए मोमेंट का है, मोमेंट अगर करेगा मार्केट तभी, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने का भी चांस है, लेकिन बस वही पॉइंट है, अगर यहाँ पर 730 क्रॉस करता है तभी। और हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में, कैंडल ऊपर क्लोज कर दी है, तब पर भी यहाँ पे क्या हम लोग माइनस में चल रहे हैं 250 के आसपास में। तो भैया क्या कर सकते हैं, चलो 350-370-400 का लॉस दिखा यहाँ पे। अगर कैंडल और नीचे आएगा, ठीक है, ज़्यादा लॉस दिखेगा तो हम ज़्यादा निकलने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो लॉस यार काफ़ी खतरनाक यहाँ पे, देखो मतलब ना ये टाइम डीके बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो हम इसके लिए क्या बता सकते हैं आपको, एक ही चीज़ बोल सकते हैं इसमें कि बस थोड़ा सा स्टॉप लॉस कैंडल के मैं ऊपर लगा करके यहाँ पे बैठा हूँ, कैंडल का हाफ में आएगा लॉस तो बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पर अगर आएगा तो। थोड़ा देखिए यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी काम करता है, ठीक है, इस जगह पर, क्योंकि ना टाइम डीके की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रहा है इस टाइम पर ऑप्शन में। तो 19,750 का समझिए यहाँ पे कॉल में एंट्री बना हुआ है, जो कि इन द मनी है, फिर भी यहाँ पे समझिए इतना तगड़ा टाइम डिके लग रहा है। तो मैं बार बार बोला ये ऑप्शन सेलिंग का टाइम है, ऑप्शन बाइंग का टाइम ये है नहीं। चलो देखते हैं, थोड़ा ग्रीन में आ गए हम लोग यहाँ पे 30-60 के आसपास में। देखो मैं वही बोलता हूँ, थोड़ा सा कैंडल ऊपर जा रही है प्रॉफिट दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रही है पूरा प्रॉफिट ख़त्म। 330 क्या करें, 330 पे ये बुक कर ले, 420
नहीं थोड़ा ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज हो रहा है। जब कॉन्फिडेंस लूज हो, क्या करना है, प्रॉफिट बुक करके हट जाना है। थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन मोमेंट कर रहा है, तो 700 के आसपास यहाँ प्रॉफिट चल रहा है। कैंडल में स्पीड भी नहीं है कुछ खास, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। गैप देखो, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, एक कैंडल बड़ी बना देती है, 1 मिनट का ही बनाती है, जाके कभी देखना, देख लेना, थोड़ा सा बैक टेस्ट वगैरह कर लेना। जब भी मार्केट थोड़ा गैप अप गैप डाउन खुलती है, एक ही बड़ी कैंडल बनाती है, 1 मिनट कैंडल। तो यहाँ पे 640 500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट में, चलो 700, थोड़ा सा 800, कुछ भाई जान में जान आ रही है, लेकिन इंडिया भी सही नहीं है, नहीं तो प्रॉफिट अच्छा मिलता। ऑप्शन अपने ही नशे में है, कैंडल अपने ही नशे में है यहाँ पे। तो वोलेटाइल देखिए मार्केट आता, ठीक है, ऐसा ट्रेड करना आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहेगा तभी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 क्वांटिटी ही लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो मैं 1000 क्वांटिटी आज करने वाला था, लेकिन इंडिया विज देख करके ना, मतलब दिल यहाँ पे किया नहीं कि करें, तो बस ये सब समझना पड़ता है कहाँ पे आप क्वांटिटी किस तरीके लेना पड़ता है। तो बहुत सही डिसीजन था कि यहाँ पे 1000 क्वांटिटी मैंने नहीं किया, 200 ही किया। और क्यों 200 किया, इसके पीछे का रीज़न है बस इंडिया विक्स और कुछ भी नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। 900, चलो 1000 के आसपास प्रॉफिट में, 1200, चलो भाई प्रॉफिट अब बुक करते हैं, ठीक है, अब रुकना नहीं है, यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, प्रॉफिट को बुक करते हैं, मार्केट पे जो मिलेगा देखा जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली प्रॉफिट बुक मिला 970, मतलब 1000 रुपये मिला यहाँ पे, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज काट देंगे 60-70 रुपया काट करके, समझो यहाँ पे 900 मान लीजिए मिला आपको पूरा प्रॉफिट यहाँ पे। चलिए समझते हैं लॉजिक क्या था। तो दोस्तों मैडम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ठीक है, मैंने निफ्टी में काम किया। देखो निफ्टी आज क्या, सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब मार्केट नीचे ओपन हुआ, और यहाँ से क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो यहाँ पर रिजेक्शन भी लगा, आप देख सकते हैं रिजेक्शन लगा, कैंडल ऊपर निकला, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, लेकिन जितना पैसा चाहिए उतना मिला नहीं। क्यों, क्योंकि इंडिया विक्स ना बहुत सही जगह पर नहीं है। देखिए इंडिया विक्स क्या है, 11 के नीचे जब इंडिया विक्स रहता ना, ऑप्शन बढ़ता ही नहीं है ज़्यादा कुछ, तो मोमेंटम वहाँ पर नहीं मिला अच्छा खासा। जितना मूव किया है समझिए इतने मूव में अच्छा पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। फिर थोड़ा समझिए प्रॉफिट यहाँ पे आगे जा करके कैंडल में कुछ हमें दिखा, तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया, ज़्यादा वेट नहीं किया। फिर मार्केट क्या देखो यहाँ पे रेंज में है, यहाँ पे डोजी बना, यहाँ पे डोजी बना, अगर यहाँ पर हम वेट भी करते, ठीक है, हमें पैसा नहीं मिलता, सारा पैसा हमारा लॉस हो जाता, तो जो भी प्रॉफिट मिला है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है कि वहाँ पर प्रॉफिट क्या देख करके आप बुक कर रहे हैं, कहाँ पे आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, ये सारी चीज़ बहुत समझना पड़ता है। और थोड़ा देखो देखो ऑप्शन में ना बहुत ज्यादा समझो, आपको सेलेक्टिव होना पड़ता है ऑप्शन के लिए, बहुत ज्यादा आपको समझिए एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया भी अगर 13 के ऊपर है तो अच्छा खासा मूवमेंट करना चाहिए, अच्छा खासा मूव करना चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी देखो यहाँ पे ऊपर जाने में थोड़ा सा रेडी था कि ऊपर निकल जाए, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आया, बैंक निफ्टी में। मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे चार्ट कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का आज मार्केट खुला, पहला कैंडल यहाँ पे क्या हो गया, देख सकते हैं क्या हो गया, यहाँ पे सीधा बन गया डोजी, तो सारा कहानी यहीं पे खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं बस इसलिए क्या है निफ्टी भी ऊपर नहीं निकली। तो यहाँ पर बस लॉजिक यही था कि सब मार्केट में रिजेक्शन लगा, सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर निकला, यहाँ पर एक एंट्री बना, और जो भी प्रॉफिट बुक हुआ है तो ठीक है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो बुक हुआ 1000 रुपये का बुक हुआ है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं उतना, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा इस वाले वीडियो में कितना समझिए कि यहाँ पर मैंने जो एंट्री बनाया उसी हिसाब से मैं पैसा नहीं मिला, क्योंकि टाइम डीके की वजह से ज़्यादा लॉस इसमें हो रहे हैं। तो कल के भी ट्रेड में टाइम डीके की वजह से ज़्यादा लॉस हुआ था, आज के भी समय ट्रेड में टाइम डीके की वजह से प्रॉफिट नहीं मिला है। आप लोग थोड़ा जाकर के एनालिसिस किया करिए, देखा करिए चार्ट पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्यों ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं सारा चीज़ आपको समझा के बता के रखता हूँ। थोड़ा आप भी अपने हिसाब से थोड़ा सतर्क रहा करिए, थोड़ा देखा करिए, ऑप्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझिए आपको एक पॉइंट अच्छा खासा मिलेगा तभी आप वहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।